नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अर्न टेक्निकल में। आज की जो जॉब है दोस्तों वो है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, जिसमें कि सभी भारतीय ऑनलाइन मोड से आवेदन जो है वो कर सकते हैं। 22 दिसंबर 2018 से आवेदन शुरू हो चुके हैं, जो चलेंगे 11 जनवरी 2019 तक। इसी के बीच में दोस्तों आपको जो है आवेदन कर देना है। इंडिया की किसी भी स्टेट से हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है आरक्षण नहीं मिलेगा। अगर आप हिमाचल प्रदेश से हैं तभी आपको जो है वो आरक्षण मिलेगा, यानी कि आप जो है वो रिजर्वेशन दी जाएगी, रिलैक्सेशन दी जाएगी हर चीज़ में, बाकियों को नहीं दी जाएगी। तो वीडियो में दूंगा पूरी इंफॉर्मेशन दोस्तों इस जॉब के बारे में, साथ ही बताऊंगा सही तरीका ऑनलाइन अप्लाई करने का वीडियो के लास्ट में। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ध्यान से जो है वो देखते रहिए, और साथ ही साथ दोस्तों मैं नोटिफिकेशन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहीं पर लिंक दे दूंगा अप्लाई ऑनलाइन का, वहां पे जाके आप इसके लिए आवेदन भी जो है वो कर पाएंगे। चलिए दोस्तों अब नोटिफिकेशन में देख लेते हैं क्या क्या जो है वो लिखा गया है। ऑनलाइन मोड से दोस्तों आप आवेदन करना है, वेरियस पोस्ट पे ये जो है आवेदन मांगा गया है, डिफरेंट डिपार्टमेंट जो कि हिमाचल प्रदेश के हैं उनमें आपको जो है वो अप्लाई करना है। कुछ जॉब्स के लिए दोस्तों एक्सपीरियंस मांगा गया है, 2-3 जॉब्स के लिए, बाकियों के लिए एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। हर एक के लिए अलग एज रखी गई है, अलग क्वालिफिकेशन रखी गई है, तो ये आपको खुद भी चेक करना पड़ेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी 2-3 जॉब्स के बारे में मैं अभी आपको जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल क्लास 1 के लिए, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 61 है, और इसमें सैलरी आपको मिलेगी 16,000 से लेकर 39,000 के करीब, और साथ में जो है 5800 रुपये का ग्रेड पे भी आपका रहने वाला है। एज दोस्तों आपकी 18 से लेकर 45 के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 18 से कम और 45 से ज़्यादा जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की दोस्तों बात करें तो रेगुलर डिग्री आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या फिर आपने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में करी हुई है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप इसके लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो अगली जॉब है उसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 4 हैं, जो कि कैटेगरी वाइज बटी हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग के लिए इसमें दोस्तों आपको 15,000 से लेकर 40,000 तक की जो है वो सैलरी दी जाएगी, साथ में 6,000 का ग्रेड पे जो है वो रहने वाला है। इसमें दोस्तों बीई, बीटेक, एमई, एमटेक अगर आपने करी हुई है 60% मार्क्स के साथ, यानी कि इंजीनियरिंग में, तो आप जो है इसके लिए आवेदन जो है वो कर सकते हैं। अगर करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाद दोस्तों जो नेक्स्ट जॉब है वो है असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की, जिसमें कि टोटल नंबर पोस्ट जो है वो 9 है। इसमें दोस्तों क्या मांगा गया है, एज दोस्तों आपकी 18 से लेकर 45 के बीच में होनी चाहिए। आपको 10,000 से लेकर 34,000 तक जो है वो सैलरी दी जाएगी, जिसमें 4200 रुपये का जो है वो ग्रेड पे आपका रहने वाला है। बैचलर डिग्री चाहिए जर्नलिज्म में, या आपने मास कम्युनिकेशन में करी हुई है, पब्लिक रिलेशन में करी हुई है, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग में करी हुई है किसी भी यूनिवर्सिटी या रिकोगनाइज इंस्टीट्यूट से, तो आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। या आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो है वो करी हुई है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करा हुआ है जर्नलिज्म में या मास कम्युनिकेशन में, तो आप इसके लिए भी आवेदन जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद की दोस्तों जो जॉब है असिस्टेंट टाउन प्लानर की, इसमें दोस्तों नंबर ऑफ पोस्ट सिर्फ और सिर्फ 1 है, और पे बैंड आपका रहने वाला है 15,000 से लेकर 39,000 के करीब है, जिससे 5400 रुपये का ग्रेड पे आपका रहने वाला है। 18 से लेकर 45 साल तक जो है वो एज होनी चाहिए। मास्टर ऑफ प्लानिंग, एमटेक, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन अर्बन प्लानिंग और सिटी प्लानिंग में अगर आपने करी हुई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास बैचलर डिग्री है प्लानिंग और बैचलर डिग्री टेक्नोलॉजी इन प्लानिंग फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट जिस पे भी आपने करी हुई है, तो आप इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसमें दोस्तों आपको जो है वो 3 साल का एक्सपीरियंस जो है अर्बन प्लानिंग और सिटी प्लानिंग में जो है वो मांगा गया है, तो इसके साथ दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ऐसे डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस स्पोर्ट्स ऑफिसर के लिए नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, इसमें भी 34,000 के करीब आपको जो है वो सैलरी मिलने वाली है। बैचलर डिग्री चाहिए फिजिकल एजुकेशन में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो अप्लाई कर सकते हैं। या आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं और फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 साल का डिप्लोमा है किसी भी गेम इंस्टीट्यूट से और आप साथ में जो है वो कोचिंग देते हैं, तो भी आप इसके लिए आवेदन जो है वो कर सकते हैं। अप्लाई दोस्तों कैसे करना है, ऑनलाइन मोड से आपको जो है वो अप्लाई करना है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फीस की, तो जनरल कैटेगरी को 400 रुपये की फीस पे करनी है। इवन अदर कैटेगरी, यानी कि अगर आप जो है अदर स्टेट से हैं और आपकी कैटेगरी कुछ भी है, आपको जनरल बनकर अप्लाई करना पड़ेगा, सेम फीस रहने वाली। यहां पर उन्होंने साफ साफ लिखा होगा कि अदर स्टेट कैंडिडेट को भी जो है वो 400 रुपये फीस देनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों एससी एसटी और जो ओबीसी वगैरह होते हैं, जो एससी एसटी के बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, उनको जो है वो रिलैक्सेशन दी गई है, और उनको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये की फीस पे करनी है, लेकिन आपका जो है हिमाचल प्रदेश से होना अनिवार्य है। उसके अलावा आप जो है वो नहीं कर पाएंगे, आपको 400 रुपये फीस ही देनी पड़ेगी। मोड ऑफ पेमेंट दोस्तों आपका ई पेमेंट रहना पड़ा, यानी कि आपको जो है वो नेट बैंकिंग के थ्रू डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से ही जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि पेमेंट जो है वो करनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों ये कुछ हेल्पलाइंस नंबर हैं, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, कुछ क्वेरीज हैं, तो यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं या मेल करके जो है वो पता कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट की, यानी कि आपकी सिलेक्शन जो है वो कैसे होगी। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, एग्जामिनेशन होगा, पर्सनलिटी टेस्ट होगा, पर्सनैलिटी टेस्ट, और फाइनल सिलेक्शन होगी।
1/1/2018 तक आपकी जो है वो एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। कंप्यूटर बेस्ड दोस्तों टेस्टों का, जो कि ऑफलाइन टेस्टों का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और जिसके 25% मार्क्स के साथ ही आप जो है इसको पास कर पाएंगे। तो ये रही दोस्तों नोटिफिकेशन की बात, जो जो चीज़ें थी ज़्यादा हाईलाइट वो मैंने आपको बता दी। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके इसको रीड करके फिर इसके लिए अप्लाई करिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ऑनलाइन अप्लाई जो है वो कैसे करना है। दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको इस लिंक पे आना है, ये लिंक दूंगा मैं ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पे क्लिक करेंगे तो सीधे इस पेज पे आ जाएंगे। यहां पे आने के बाद दोस्तों आपको यहां पे ऊपर दिख रहा होगा न्यू यूजर साइन अप हियर, यहां पे आपको क्लिक कर देना है और ये सारी चीजें फिल करके आप अप्लाई कर सकते हैं इस हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब के लिए। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ को वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।